वेलकम टू माई चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, वही 4:30 बज रहे होंगे और मैं बाहर आई थी, तो मैंने सोचा मैं अभी से अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो फिलहाल हम बैठ जाते हैं इसको लेकर के, और इसको ना मैं बाहर ही रखती हूँ, मतलब एक अंदर रहता है और एक बाहर रहता है। तो जब मन करे ना हा करके बैठ जाओ, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, जो चेयर है प्लास्टिक वाली वो हम लोग अंदर ही रखते हैं, क्योंकि धूप में ना वो फिर कलर भी उनका चला जाता है, और प्लास्टिक की चीज़ वैसे भी धूप में नहीं रखना चाहिए। और दिखाऊं आप लोगों को कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं ये, और इधर भी दो खिले हुए हैं, और ये कलियां भी अभी बहुत सारी इसमें निकली हुई है, बहुत ही है मतलब। और अभी ना बाहर हवा चल रही है, तो इस वजह से मैं आकर के बाहर बैठ गई हूँ। वैसे तो अगर हवा ना चले तब तो फिर मजाल ही नहीं है कि आप बाहर ऐसे बैठ पाओ, लेकिन हाँ जब हवा चलती है तो फिर आप बैठे रहो, कितनी भी गर्मी हो, गर्म हवा हो या ठंडी हवा हो, फिर भी बैठे रहना होता है। और ये जो टाइम है ना, इस टाइम पर वैसे भी नॉर्मली मुझे बाहर ही अच्छा लगता है बैठना, और मन करता है मेरा कि मैं बाहर बैठ करके ना सब देखूँ। तो बस अभी आज ना अभी मैं निकल करके आई हूँ, क्योंकि सुबह नहीं ये फूल खिले हुए थे, तो अभी मैं निकल के आई ना, तो देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा है। वैसे तो जब से लेकर के आए हम लोग खिल चुके हैं कई बार, अभी मतलब 3-4 फूल तो खिल ही चुके होंगे, बट आज इकट्ठे 3-3 खिले हुए हैं, तो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये ना ये मतलब वैसे वाले नहीं है, जैसे एक कुछ होते हैं ना गुड़हल वाले फूल जो बहुत गुच्छे गुच्छे वाले होते हैं, तो ये वैसे वाले नहीं, ये सिंगल वाले हैं। ये आप लोगों को दिखाऊं, ये कुछ इस तरीके से हैं, बिल्कुल सिंगल वाले हैं। और कुछ कुछ गुड़हल के जो होते हैं ना खूब इतने बड़े बड़े से गुच्छे वाले, तो मैंने मतलब लेते टाइम इतना ध्यान नहीं दिया, बट ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है। और उस टाइम पे कोई खिले हुए नहीं थे, तो पता भी नहीं था कि गुच्छे वाला है या सिंगल वाला है, बस ये था कि हाँ चलो गुड़हल के पेड़ हैं, ये लॉन्ग टर्म में चल जाएंगे, लंबे टाइम तक चलेंगे, और ज़्यादा इनकी टेक केयर भी नहीं करनी पड़ती, उतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ले लिया है। अभी मैं बाहर आई थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ मैं पानी भी इनमें डाल ही देती हूँ, और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मुझे ये डालना है या फिर इन्हें ही डालना है, जो देख लिया कि सूखे दिख रहे हैं दोनों में से कोई भी डाल देते हैं। वैसे मैक्सिमम टाइम यही डालते हैं, बट कभी कभी मुझे दिख जाता है तो मैं भी डाल देती हूँ। हाँ आप लोग को एक बात और बतानी है, बहुत इंटरेस्टिंग, नए मेहमान आने वाले घर में, तो अभी बहुत अच्छा लगने वाला है। खुशियाँ भी ना अभी थोड़ा बढ़ गई हैं, क्योंकि इतना मायूसी भरा दिन चल रहा है, टाइम चल रहा है ना कोरोना की वजह से, कि कहीं बाहर भी नहीं निकल पाना है और कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं, तो अभी फाइनली थोड़ा अच्छा लगने वाला है। जब घर पर कुछ लोग आते हैं ना तो अच्छा लगता है। और मुझे ना थोड़ा सा जो दूसरा वाला रूम है ना उसकी सफाई भी करनी है, क्योंकि अभी ना वो पूरा गंदा पड़ा हुआ है और वो बिल्कुल भी साफ नहीं है, तो मैं उसको साफ कर दूंगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सामान फालतू में पड़ा है, लेकिन हाँ ये कि हमसे जो थोड़े बहुत सामान एक्स्ट्रा रहता है ना वो हम उसी रूम में रख देते हैं, तो अभी वो रूम भी खाली करना पड़ेगा ताकि वो लोग अपना सामान वहाँ रख सकें। और यहाँ पर अभी मैं अंदर आ गई हूँ किचन में, तो मैं लाई तल करके रख रही हूँ, अभी फ्री भी थी तो मैंने सोचा मैं तल करके रख देती हूँ, लाई ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमकीन भी ऐड करूँगी। और ये मैंने थोड़ा सा ना करी पत्ता और हरी मिर्ची रखी हुई है छौंका लगाने के लिए, तो ऐसे टाइप की लाई ना इनको अच्छी लगती है, ये काफ़ी पसंद करते हैं और ख़त्म भी बहुत जल्दी करते हैं, पसंद तो करते हैं लेकिन ख़त्म भी बहुत जल्दी करते हैं। आप मतलब ना कितना भी ज़्यादा बना करके रख दो ना, 3-4-5 दिन से ज़्यादा नहीं चलने देते हैं, फिर ना इनका हाथ डब्बे में ही जाता रहता है, थोड़े थोड़े ले ले करके ना खाते रहते हैं। लाई इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब सारे आइटम एक तरफ रख दो और लाई एक तरफ रख दो और बोलो कि कोई एक चीज़ चूज करो तो ये लाई ही लेंगे, इतनी ज़्यादा इनको पसंद है। तो बस अभी मैं थोड़ा सा इसमें नमक और चंकी चाट मसाला भी ऐड कर दी हूँ।
गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और कल रात में फिर मैं कंटिन्यू नहीं रख पाई थी वीडियो को, तो मैंने सोचा चलो इसी में मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं मॉर्निंग में क्या क्या करती हूँ। तो अभी आगे आप लोग को मैं सब कुछ दिखाऊंगी क्या क्या मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है। और वैसे तो चीज़ें मतलब ना बदलती रहती हैं, काम भी बदलते रहते हैं, कभी मन किया तो डस्टिंग कर लिए, कभी मन किया तो साफ़ सफाई अच्छे से कर लिए, कभी मन किया कुछ भी नहीं किए। तो ऐसे ऐसे तो मतलब हर मॉर्निंग ना डिफरेंट डिफरेंट ही होती है, चीज़ें बदलती रहती हैं ना। मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ एक ही चीज़ कर रहे हैं, रोज़ डस्टिंग ही कर रहे हैं या फिर रोज़ सामान ही सेट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ जो चीज़ की नीड लगी कि हाँ अभी साफ़ सफाई की ज़रूरत है। और पीछे बेड को इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी ना पूरी की पूरी पिलो फैली पड़ी हुई है, तो अभी मैं सब कुछ सेट कर दूंगी। और फिलहाल मैंने सोचा कि मैं अभी अपना वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। और सोचो मतलब सुबह का टाइम है बट फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और लग ही नहीं रहा कि मतलब सुबह का टाइम है, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे दोपहर के 1-2 बज रहे हों, ऐसा वाला मतलब गर्मी वाला हाल हो रखा है और पता नहीं कब गर्मी जाएगी। अभी तो इस टाइम पे ना हर टाइम गर्मी वाला दुख रोना ही होता है और हर घर में यही होता होगा क्योंकि गर्मियों में तो फिर हाल तो सबका बुरा रहता ही है। और चलो अभी अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, अपने काम पे लग जाती हूँ क्योंकि कपड़े भी मैं अभी लगे हाथ फोल्ड करके रखूँगी। और कभी कभी दोपहर में कर लेती हूँ, कभी कभी अगर जल्दी मैं सुबह उठ गई ना तो फिर ये सारे काम मैं नहाने से पहले ही निपटा लेती हूँ क्योंकि नहाने के बाद फिर मन नहीं करता है ज़्यादा। तो अभी ये सब भी सेट कर दूँगी, कपड़े भी सेट कर दूँगी। ख़त्म हो गया है और अभी अब मैं पीती हूँ कुछ ठंडा ठंडा क्योंकि मेरा ना ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है। तो ये मैंने ना छाछ लिया हुआ है तो अभी इसको पीऊँगी और फिर मैं तुरंत नहाने जा रही हूँ। तो यही होता है सुबह, मतलब इनको 10 बजे जाना होता है ना ऑफिस, तो अगर मैं थोड़े एक दो काम भी करने लग गई ना उतने में ही फिर ये टाइम होता है कि अब जल्दी जल्दी नहाओ क्योंकि खाना भी बनाना है। तो मैं ये ठंडा ठंडा छाछ ख़त्म करती हूँ और इसके बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी, खाना बनाना है। और 10 बजे फिर ये जब ऑफिस चले जाते हैं ना फिर मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, पूरा दिन कुछ भी करूँ। बट सच बताऊँ फिर मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है, फिर वही होता है ना कि लेट करके आराम से टीवी देखो, फ़ोन चलाओ, ऐसे टाइप का मन करता है। और दही जब थोड़ा खट्टा खट्टा हो जाता है ना तब और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये 2-3 दिन का हो गया है ना दही, तो अभी और ज़्यादा खट्टा खट्टा हो गया है। जब ताज़ा ताज़ा आता है ना तो इतना खट्टा नहीं रहता है, फिर 2-3 दिन में बहुत अच्छे से खट्टा वाला हो जाता है क्योंकि मुझे खट्टा दही पसंद है। जैसे इनको खट्टा दही बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे खट्टा दही ही पसंद है। दही चावल भी खाओ ना तो खट्टा खट्टा दही, और इनका तो ऐसा है ना कि एकदम ताज़ा दही हो, बिल्कुल भी खट्टा ना हो, इनको वैसे टाइप का अच्छा लगता है। तो इसमें थोड़ा सा ना हम लोग की चॉइस डिफरेंट डिफरेंट है दोनों की। तो जब ताज़ा ताज़ा आता है तो इनके मज़े आ जाते हैं और जब थोड़ा पुराना हो जाता है तो फिर मेरे मज़े हो जाते हैं।
अभी अब ठंडा ठंडा पीने के बाद ना फिर नहाने जाऊंगी। तो चलो अभी मैं इस वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।